हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में आपका फिर से स्वागत है। पाकिस्तान वुमेन बनाम आयरलैंड वुमेन, ये T20I सीरीज का फैंटेसी प्रीव्यू है, जहां पर देखेंगे हम प्लेयर्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड, टॉप पिक्स, डिफरेंशियल पिक्स और क्या कोई ऐसा प्लेयर है जो आप अपनी फैंटेसी टीम से अवॉइड कर सकते हो। बात करते हैं इस गेम की दोस्तों, तो पाकिस्तान हाल ही में 3-0 का क्लीन स्वीप करके आ रही है ODI सीरीज में अगेंस्ट आयरलैंड। ये दोनों साइड्स अब खेलेंगी T20s एंड आयरलैंड के लिए एक अच्छा खासा चांस है कि कुछ अपसेट कर पाए। ODIs में काफ़ी कोशिश करी पर वो नामुमकिन रहे, T20s में शायद झटका दे सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो दोनों टीम्स अब तक 17 टाइम्स खेली हैं, जिसमें से पाकिस्तान 13 बार जीती है और आयरलैंड 2 बार। दो गेम्स वॉश आउट हुई हैं, इंक्लूडिंग द लास्ट टाइम जब ये दोनों टीम्स खेली थी। चलते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड में कौन से प्लेयर्स हैं जो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। नीडा डार बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। 9 इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 193 रन हैं एंड 12 इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए इन्होंने 14 विकेट्स पिक किए हैं। एल डेलेनी की बात करें तो आयरलैंड की ऑलराउंडर हैं, बैटिंग करती हैं एंड मीडियम पेस बॉलिंग भी करती हैं। 10 इनिंग्स में 9 विकेट्स इन्होंने पिक करी हैं और एक मस्ट हैव पिक रहेंगी फॉर दिस गेम। जवारिया खान की बात करें तो कमबैक कर रही हैं ये T20s में। ओवरऑल आयरलैंड के सामने 9 इनिंग्स में 257 रन इन्होंने स्कोर करा है 64 के एवरेज पर। गेबी लुइस की बात करते हैं, आयरलैंड की बैटर हैं, 2 इनिंग्स में 49 रन हैं एंड ये भी एक मस्ट हैव पिक आपके लिए बन सकती है फ्रॉम आयरलैंड फॉर दिस गेम। बात करते हैं इस वेन्यू का, तो लाहौर में हो रही है ये मैच और यहाँ पर बिस्मा मारूफ का रिकॉर्ड देखेंगे तो लेफ्ट हैंड बैटर हैं, 3 इनिंग्स में 108 रन, 54 का इनका एवरेज है। जवेरिया खान की बात करें तो यहाँ पर 3 इनिंग्स में 111 रन स्कोर कर चुकी हैं 37 के एवरेज पर। ओ सोहेल की बात करें तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करने की क्षमता रखती हैं, ऑफ स्पिन बॉलिंग काफ़ी ट्रबल कर सकती है ऑपोजिशन को और इन्होंने बैटिंग करते हुए 2 इनिंग्स में 64 रन स्कोर करे हैं इस पर्टिकुलर वेन्यू पर। सादिया इकबाल की बात करें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, 3 इनिंग्स में 4 विकेट पिक कर चुकी हैं इस वेन्यू पर एंड इस गेम में अगर ये खेलती हैं तो बहुत ही क्रिटिकल साबित होंगी, क्यों वो हम आपको आगे चल के बताते हैं। चलते हैं दोस्तों टॉप पिक्स की तरफ, तो सिद्रा अमीन इज द फर्स्ट पिक फ्रॉम आरसाई, राइट हैंड बैटर हैं और इस साल इन्होंने बहुत सारे रन्स बतोड़े हैं इंक्लूडिंग द ODI सीरीज, जहां पर इन्होंने 277 रन स्कोर करे हैं केवल 3 गेम में। हाल ही में हुए बांग्लादेश में जो वुमेन्स T20 एशिया कप हुआ था, वहां पर इन्होंने 150 प्लस रन स्कोर करे थे, 26 के ऊपर का एवरेज था और ये वो डेक था सिलहेट में जहां पर काफ़ी बैट्समैन को मुश्किल फेस करनी पड़ी थी। ओवरऑल उस टूर्नामेंट की 4th हाईएस्ट रन गेटर भी ये थी। बात करते हैं सेकेंड टॉप पिक की, आर्लिन केली ऑलराउंडर हैं आयरलैंड से, न्यूजीलैंड में काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है इन्होंने, पावर प्ले के एंड में बॉलिंग करती हुई नजर आएंगी और डेथ में भी बॉलिंग करेंगी, बैटिंग नीचे करती हैं बट हाँ कोई मौका नहीं गवाती हैं बैटिंग के थ्रू भी आपको पॉइंट्स देने में। ओवरऑल 16 विकेट्स ये पिक कर चुकी हैं 16.25 के एवरेज पर। आर्लिन केली के इस साल के T20I का रिकॉर्ड का बात करें तो आयरिश प्लेयर्स में सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर हैं ये, 16 विकेट पिक करी इन्होंने 16.25 के एवरेज पर। थर्ड टॉपिक दोस्तों हमारी तरफ से होंगी फातिमा सना, जो कि कमबैक कर रही हैं T20s में। वुमेन CPL में इनको इंजरी हुई थी जिसके कारण ये एशिया कप इनको मिस करना पड़ा था। हाल ही में हुए ODIs में इन्होंने 5 विकेट्स पिक करे थे जो कि पेस बॉलर की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर थे। जब से इन्होंने T20s में डेब्यू करा है इनसे बेटर स्ट्राइक रेट पे किसी भी पाकिस्तानी बॉलर ने विकेट्स नहीं पिक करे हैं और इनका स्ट्राइक रेट रहा है 19 का। डिफरेंशियल पिक्स की तरफ चलते हैं दोस्तों और नंबर 1 होंगी हमारी तरफ से ओरला प्रेंडरगास्ट, जो कि आयरलैंड की ऑलराउंडर हैं, बैटिंग करते हुए नजर आएंगी आपको नंबर 3 पर, अनलाइक दी वन डेज जहां पर वो नंबर 4 पर बैटिंग कर रही थी। आयरलैंड के लिए बॉलिंग भी ओपन करेंगी और इनके पास अच्छा खासा मिक्स ऑफ डिलीवरीज हैं जिनसे ये पाकिस्तान के बैट्समैन को परेशान कर सकती हैं। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये एकमात्र आयरिश बैटर हैं जो कि 26 के ऊपर का एवरेज मेंटेन कर रही हैं T20Is में इस साल एंड उनकी सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर भी हैं। कुल मिलाकर 233 रन इन्होंने बटोरे हैं 38.83 के एवरेज पर। सेकेंड डिफरेंशियल पिक हमारी तरफ से नॉमिनेटेड होंगी दोस्तों एमी हंटर, जो कि आयरलैंड की मोस्ट इन्फॉर्म बैटर हैं, बहुत ज़्यादा रन स्कोर कर रहे हैं इन्होंने डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन में अक्रॉस वन डेज एंड T20s। आयरलैंड की सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर भी थी ये हाल ही में जो ODI सीरीज हुआ था, जहां पर 79 रन इन्होंने बतौड़े थे इंक्लूडिंग 41 बॉल्स में 43 जो कि इन्होंने लास्ट ODI में स्कोर करा था। T20Is में ये बैटिंग ओपन करते हुए नजर आएंगी आपको, अनलाइक ODIs जहां पे इन्होंने वन डाउन पे बैटिंग करी थी। नंबर 3 डिफरेंशियल पिक होंगी जवेरिया खान, जो कि अपना पहला T20I खेल रही हैं इन मोर देन अ ईयर। आखिरी T20 इन्होंने जुलाई 2021 में खेला था और इस फॉर्मेट में पाकिस्तान की ये सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर भी हैं। T20Is में इस वेन्यू पर सबसे ज़्यादा रन्स भी इन्होंने बतौड़े हैं और हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका आयरलैंड के सामने अगर आप देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन है। कुल मिलाकर इन्होंने
आयरलैंड के सामने 257 रन स्कोर करे हैं 64 के एवरेज पर इन 9 इनिंग्स। बात करते हैं फोर्थ डिफरेंशियल पिक की एंड सादिया इकबाल, जिनका जिक्र हमने वेन्यू रिकॉर्ड्स में बात करते हुए भी किया था। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, ODIs में नहीं खेली थी पर T20s में ज़रूर आपको नज़र आनी चाहिए। पाकिस्तान की फ्रंट लाइन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं ये एंड वी हैव सीन आयरलैंड कैसे स्ट्रगल करा है लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने व्हेन दे गेव अवे अ हेल लॉट ऑफ विकेट्स टू नशरा संधू। ओवरऑल आप देखोगे तो ये पावर प्ले में बोलिंग करती नजर आएंगी। 4 विकेट्स हैं इनके 15 की एवरेज पे अक्रॉस द 3 गेम्स जो ये खेली हैं इस पर्टिकुलर वेन्यू पर। चलते हैं डिफरेंशियल कैप्टनशिप पिक्स की तरफ और नंबर 1 पिक होगी हमारी तरफ से यहाँ पे तुबा हसन, राइट आर्म लेग स्पिनर हैं ये। इनके बारे में जिक्र हम इसीलिए कह रहे हैं बिकॉज अगर आप आयरलैंड की परफॉर्मेंस देखो लास्ट 2 ODIs में लेग स्पिन के अगेंस्ट इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करा है। कुल मिलाकर गुलाम फतिमा को इन्होंने 8 विकेट दिए हैं 2 गेम्स में और एवरेज रहा था 8.25 का। आयरलैंड के बैटर्स को लेग स्पिन के सामने स्ट्रगल करता देख तुबा हसन बहुत ही खुश होंगी एंड अच्छी खासी लय में आपको नजर आएंगी इस पर्टिकुलर गेम में। ओवरऑल आप देखो तो T20Is में इन्होंने 14 विकेट्स पिक करे हैं 14 इनिंग्स में, एवरेज रहा है 16.4 का। पाकिस्तान के लिए बेस्ट बॉलर थी जब ये दोनों साइड्स खेली थी T20Is में आखिरी बार, जहां पर इन्होंने 3 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट भी पिक किया था। बात करते हैं दोस्तों सेफ कैप्टनसी पिक की और जब पाकिस्तान वुमेन्स की बात करें तो उनकी गेम्स में निदा धार को छोड़ के किसी और प्लेयर की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राइट हैंड बैटर हैं, ऑफ स्पिनर हैं एंड इन्होंने अपनी ओवरऑल गेम दोनों डिपार्टमेंट में काफ़ी ऊपर करी है। हेड टू हेड रिकॉर्ड आयरलैंड के सामने भी इनका काफ़ी बढ़िया है एंड कुल मिलाकर 4 टाइम्स आयरलैंड के सामने ये प्लेयर ऑफ द मैच भी घोषित की गई हैं, इंक्लूडिंग द लास्ट सीरीज जब ये दोनों टीम्स खेली थी आयरलैंड में। उस गेम में इन्होंने 15 बॉल में 26 रन स्कोर करे थे एंड बॉलिंग करते हुए 3 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट भी पिक करी थी। चलते हैं दोस्तों प्लेयर टू अवॉइड की तरफ और लिया पॉल आयरलैंड की ऑलराउंडर हैं जिनका नाम हम रेकमेंड करेंगे। थोड़ा सा आप शॉक में रहोगे कि इतने बढ़िया प्लेयर को हम क्यों रेकमेंड कर रहे हैं, बट अगर आप इनका रोल देखो ODIs वर्सेस T20s, अनलाइक इन ODIs जहां पर ये बैटिंग ओपनिंग करती हैं, T20Is में आपको नंबर 8 या नंबर 9 पर आपको बैटिंग करती हुई नजर आएंगी। हाँ, हाल ही में इन्होंने 50 भी स्कोर करी थी लास्ट ODI में पाकिस्तान के सामने, बट इस गेम में हमें नहीं लगता कि बैटिंग करते हुए इनको इतना मौका मिलेगा। बॉलिंग की बात करें तो वंस अगेन इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आयरलैंड को शायद, और वैसे भी जब इन्होंने बॉलिंग करी थी ODIs में तो काफ़ी महंगी साबित हुई थी। कुल मिलाकर 4 ओवर्स में 54 रन इन्होंने कंसीड करे थे एंड हेंस वी बिलीव आपकी फैंटेसी टीम से आप इनको ज़रूर अवॉइड कर सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों कई और गेम्स के फैंटेसी टिप्स चाहिए, ट्रिविया चाहिए, इनसाइट चाहिए तो व्यू स्पोर्ट को फॉलो करना मत भूलिएगा।